Hello and welcome guys, this is Dhruvraj Gosai and today we are talking about how to make an effective SOP, yani statement of purpose और इसमें कौन कौन से फैक्टर को ऐड करोगे। आप अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड को एसओपी के बारे में पूछोगे कि जो काफी टाइम पहले कनाडा में एज अ स्टूडेंट गया है तो वो बताएगा कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि काफी टाइम पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही एसओपी लगाना जरूरी होता था जबकि अभी कनाडा में भी एसओपी लगाना उतना ही जरूरी हो गया है। इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि एसओपी उनकी फाइल में लगाना होता है और काफी सारे स्टूडेंट अपने वीजा की एप्लीकेशन ऐसे ही कर देते हैं बिना एसओपी के क्योंकि उनको पूरी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती या जिसको मालूम भी है कि एसओपी लगाना होता है भी वो सोचते हैं जिनको स्टडी खत्म किए काफी टाइम हो गया यानी उनकी गैप ज्यादा है और जिन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज की है उनके लिए ही जरूरी होता है। तो ये बिल्कुल सच नहीं है और मेरे ख्याल से एसओपी के जरिए आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करने का एक मौका मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और अपना एसओपी जरूर बना के वीजा फाइल के साथ लगाना चाहिए। तो जी चलिए अब बात करते हैं कि एसओपी क्यों जरूरी है। तो जी एसओपी के जरिए आप अपने इमिग्रेशन ऑफिस को कन्विंस कर सकते हो आपके फ्यूचर गोल्स और आपका इंटेंशन क्लियर करके कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और वहां पर स्टडी करने जा रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारे स्टूडेंट को इमिग्रेशन ऑफिस वाले ओवरस्टेइंग का रीजन देकर उनका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपना फ्यूचर गोल्स दिखाकर या अपना इंटेंशन क्लियर करके ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हो कि आप उनकी कंट्री में अपनी स्टडी खत्म करेंगे और जरूरी वर्क एक्सपीरियंस लेके अपनी कंट्री में वापिस आ जाओगे और आप ओवरस्टे नहीं करोगे। इसके अलावा आप और भी काफी सारी चीजें जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे स्टूडेंट बी के बाद बिजनेस कोर्स में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो आप इसको जस्टिफाई करो कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है और ये कोर्स करके आपको क्या फायदा होगा। तो ये सारी बातें आप क्लियर कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि एसओपी में कौन कौन से फैक्टर को ऐड करके इसको और इफेक्टिव दिखाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अपने एसओपी को थोड़ा छोटा रखिए यानी कि इसको मैक्सिमम 2-3 पेजेस में बना लीजिए। तो काफ़ी बड़ा एसओपी मत बनाइए क्योंकि हमें इमिग्रेशन ऑफिसर को कन्विंस करना है, उसको बोर नहीं करना। अगर वो देखेगा कि आपका एसओपी बहुत बड़ा है तो पढ़ने से पहले ही शायद बोर हो जाए और वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा नहीं। तो अपने एसओपी को काफ़ी ज़्यादा इजी और शॉर्ट बनाकर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालने का प्रयास कीजिए। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाए। तो जी सबसे पहले आप अपने एसओपी में अपने बारे में बता दीजिए यानी कि अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दीजिए जैसे कि आपका एकेडमिक स्टेटस क्या है और आपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, ये सारी बातें बताकर अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उसके बाद अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि आपके फैमिली में कौन कौन है और साथ ही साथ आप ऐसा भी बता दीजिए कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला कौन है। जैसे कि मुझे मेरे फादर फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हैं तो मैं अपने एसओपी में उनकी सारी सैलरीज, ईयरली सैलरीज और वो सब दिखाने वाला हूँ ताकि ऑफिसर को ये बात क्लियर हो जाए कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा है तो आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने जा रहे हो, आपका कोई अलग इंटेंशन नहीं है। फिर आपको दिखाना है कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो इंडिया में है या नहीं। नहीं है तो अच्छा है, लेकिन अगर है तो आप फिर कनाडा क्यों जाना चाहते हो, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि नहीं मुझे कोई फॉरेन डिग्री चाहिए और कनाडा शायद इसके लिए बेस्ट है। तो ऐसा कुछ दिखाकर आप उनको कन्विंस करने का ट्राई कर सकते हो। और आपको यहाँ पर यह भी दिखाना होगा कि ये कोर्स और ये स्टडी के लिए आपने कनाडा ही क्यों चुना, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज हैं तो आप कनाडा ही क्यों जाना चाहते हो। अगर कनाडा ही जाना चाहते हो तो कोई एक प्रोविंस में ही क्यों जाना चाहते हो, जैसे कि मेरा प्रोविंस क्यूबेक है तो मैंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया कि मुझे क्यूबेक में ही क्यों जाना है। फिर आती है बात कॉलेज की कि आपको उसी कॉलेज में क्यों जाना है, वहाँ पर काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं तो आपको वही कॉलेज में क्यों जाना है, ये सब बातें आपको वहाँ पर क्लियर करनी होगी। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपना स्टडी खत्म करके और अपना वर्क एक्सपीरियंस लेके इंडिया में वापस आ जाओगे।
तो आपको ये तो दिखाना ही दिखाना है कि आपका वीजा खत्म होते ही आप इंडिया में वापस आ जाओगे और वहां पर ओवरस्टे नहीं करोगे। तो इसमें आप दिखा सकते हो कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है इसलिए आप इंडिया जा रहे हो, ये तो जैसे एक नॉर्मल सा रीजन हो गया और कॉमन रीजन है। इसके बाद आप इसमें दिखा सकते हो कि ये कोर्स करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिलेगी, तो ये कोर्स करने के बाद आपको इंडिया में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आपकी सैलरी क्या रहेगी, ये सारी बातों के लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा और थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस फैक्टर को जरूर अपने एसओपी में इंक्लूड करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़े बहुत एसओपी के सैंपल दिए हैं, तो वो जाके जरूर देख ले और उससे आप आइडिया ले सकते हो कि आपको अपना एसओपी कैसा बनाना है। ट्राई करना है कि आपका एसओपी यूनिक हो और प्लीज वो सैंपल को कॉपी मत करना। फिर काफी सारे मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि वो अपना एसओपी किसी और से जनरेट करवाते हैं, तो जी मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अपना एसओपी खुद बनाने का ट्राई करें, क्योंकि आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं जान सकता और आपके लिए आपसे ज्यादा और कोई मेहनत नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।